हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉबिन एंड यू आर वाचिंग रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रैंक मैथ प्लगइन और योस प्लगइन में से कौन सा प्लगइन बेस्ट है, कौन सा प्लगइन आपको यूज करना चाहिए, किस प्लगइन के अंदर आपको ज्यादा फंक्शंस मिलने वाले हैं। रैंक मैथ पर मैंने पूरी सीरीज बनाई है, इसके बाद हमने योस पर भी कम्प्लीट सीरीज बना दी है। तो अब हम दोनों का कंपेरिजन कर सकते हैं और आपको क्लियरली बता सकते हैं कि रैंक मैथ और योस में से कौन सा प्लगइन बेस्ट है। तो चलिए पहले स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने योस्ट प्लगइन का नाम लिखा है और यहाँ पर रैंक मैथ का लिखा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि योस्ट प्लगइन के 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे तो अगर ये वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल साइट है उस पर योस्ट प्लगइन जो डाला गया है वहां पर आप देख सकते हैं कि इसके 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। वहीं अगर मैं बात करूं रैंक मैथ की तो इसके 3+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि योस्ट जो प्लगइन है ना वो बहुत पुराना प्लगइन है, सबसे पुराना प्लगइन आप कह सकते हैं उसको, जबकि रैंक मैथ जो प्लगइन है वो बहुत ही नया प्लगइन है योस्ट के कंपैरेटिवली। लेकिन इतने कम टाइम के अंदर रैंक मैथ ने जो ग्रोथ हासिल की है वो अनएक्सपेक्टेड है। लाइक 3 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन बहुत ही कम टाइम के अंदर इन्होंने अचीव कर लिए हैं, ठीक है। अब ये क्यों किए हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों इतनी जल्दी ये इतना पॉपुलर हो गया है, ये चीजें भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही साथ हम जो है कंपैरिजन भी इसका करने वाले हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, योस्ट प्लगइन जब आप इंस्टॉल करते हैं ना तो आपको, मान लीजिए मैं पेड वाले प्लगइन की बात करता हूँ, ठीक है, तो आपको लोकल एसईओ के लिए और वूकॉमर्स एसईओ के लिए अलग से प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जबकि अगर मैं बात करूं रैंक मैथ की तो अगर आप इसका पेड इवन फ्री वर्जन भी लेते हैं तो भी आपको लोकल एसईओ और वूकॉमर्स एसईओ के लिए अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं योस्ट की, ठीक है, तो जब मैं योस्ट अगर आप बाय करना चाहें, सबसे पहले तो फ्री योस्ट प्लगइन की बात करते हैं, ठीक है, ये तो फ्री हो गया। अब अगर प्रीमियम की बात करें तो ये $99 का है, ठीक है। अब अगर इसके सारे के सारे प्लगइन्स आप लेना चाहते हैं, सारे मतलब लोकल एसईओ के लिए, वीडियो एसईओ के लिए, वूकॉमर्स एसईओ के लिए और एक जो डिफॉल्ट एसईओ वाला है, तो वूकॉमर्स और इवन लोकल एसईओ के लिए आपको पेड में भी अलग से पेड प्लगइन बाय करना पड़ेगा। तो टोटल $229 इसका जो ईयरली पड़ने वाला है। जबकि अगर हम बात करें रैंक मैथ की तो रैंक मैथ के अंदर ये आपको लगभग $80-90 के करीब पड़ेगा और इसके अंदर आपको वूकॉमर्स और लोकल एसईओ के लिए अलग से बाय करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। इवन उससे भी बेटर रैंक मैथ के अंदर क्या है ना कि रैंक मैथ के अंदर फ्री के अंदर ही लोकल एसईओ और वूकॉमर्स एसईओ की फंक्शनैलिटी दी गई है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एग्जैक्टली मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये रैंक मैथ इंस्टॉल किया हुआ है, हम इसके डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये देखिए यहाँ पर वूकॉमर्स के लिए आपको इसको इनेबल करना, आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये सिंपली आपको यहाँ से इनेबल करके हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं लोकल एसईओ की, तो लोकल एसईओ के लिए भी आपको सिंपली इसको ऑन करना है और यहाँ सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो लोकल एसईओ की सारी सेटिंग ओपन हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप पर्सन के लिए लोकल एसईओ कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट जो है डिस्क्रिप्शन, लोगो, यूआरएल, ईमेल, एड्रेस, एड्रेस का फॉर्मेट, बिजनेस का टाइप, ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर, फोन नंबर, प्राइस, एडिशनल इन्फो, मतलब जितनी भी इवन कोऑर्डिनेट्स, जितनी भी लोकल एसईओ की इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब की सब आप फ्री वर्जन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। प्रो के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, मल्टीपल लोकेशंस आप ऐड कर सकते हैं, फ्री के अंदर मल्टीपल लोकेशंस नहीं है। तो जो चीज मतलब आप बात करें योस्ट, आपको $229 अलग से इसका लोकल एसईओ का पैकेज बात करें तो $69 समथिंग का होगा ये, तो उतने में दे रहा है। लेकिन रैंक मैथ वही चीजें आपको फ्री के अंदर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ जो है वो फ्री के अंदर मिल जाने वाला है। तो यहाँ पर हम है ओके, यहाँ पर हमें जो है कम्प्लीटली फ्री मिलने वाला है, इवन वूकॉमर्स के लिए भी सब कुछ फ्री के अंदर मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूँ वीडियो एसईओ और इसके अलावा और क्या क्या योस्ट के अंदर पेड क्या है, न्यूज एसईओ के लिए, ठीक है,
तो ये भी देखिए इसके अंदर आई थिंक वीडियो का भी है, इमेज एसईओ के लिए अलग से है। न्यूज साइट मैप जो है, साइट मैप बेसिकली वो पेड है, ठीक है, बाकी सब चीजें लगभग लगभग है। और वीडियो साइट मैप भी इसके अंदर जो अलग से साइट मैप जनरेशन है वो हालांकि इसके अंदर पेड किया गया है, बट जनरली जो है ना या तो आप लोकल एसईओ करेंगे या फिर आप वो कॉमर्स करेंगे, वीडियो और न्यूज वाले जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, थोड़े से बड़े लेवल की अगर हम बात करें तो उसके लिए हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है। देखिए यहाँ पर मैं आपको प्राइसिंग का कंपैरिजन भी बता दूं, योस्ट अगर आप लेने जाएंगे तो $99 पड़ेगा, और अगर आप रैंक मैच अगर मैं ये वाला पैकेज की बात करूं तो लगभग ये 84 या लगभग $90 के आसपास, ओके, ये थोड़ा सा कॉस्टली हो गया, $98 लगभग आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये लगभग प्राइसिंग, इसमें प्राइसिंग थोड़ी थोड़ी कंपैरेटिव हो गई है, बट इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर आपको ये वाले पैकेज लेने हैं, अगर आप क्लाइंट की वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट्स और ज्यादा कीवर्ड्स आप ट्रैक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, डिफरेंट प्लगइन फॉर लोकल एंड वूकॉमर्स, ये हम कर चुके हैं। वन फोकस कीवर्ड इन फ्री प्लान, तो योस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, देखिए जब आप योस्ट प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आप यहाँ पर जब आप फोकस कीवर्ड के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप एक ही कीवर्ड एंटर कर सकते हैं, जबकि अगर मैं बात करूं रैंक मैच की तो यहाँ पर फोकस कीवर्ड के अंदर मान लीजिए मैंने गेमिंग लिख दिया है, ठीक है, और कंसोल, तो 5 कीवर्ड्स लगभग आप इसके अंदर, नोट लगभग एग्जैक्टली 5 कीवर्ड्स आप जो है इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। जबकि योस के अंदर क्या है कि पेड के अंदर आप 5 कीवर्ड एंटर कर सकते हैं, तो रैंक मैच के अंदर क्या है 5 फोकस कीवर्ड आप फ्री के अंदर ही एंटर कर सकते हैं और उसके हिसाब से पेज को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, रीडायरेक्शन का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप योस प्लगइन यूज कर रहे हैं तो आपको रीडायरेक्शन प्लगइन अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, जबकि अगर मैं बात करूं रैंक मैच की तो इसके अंदर रीडायरेक्शन का ऑप्शन पहले से ही दिया है, जैसे कि ये रैंक मैच का डैशबोर्ड है, ठीक है, तो यहां पर आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहां पर रीडायरेक्शन पे जाना है और इसको यहां से इनेबल कर देना है। यहां पर आप देखेंगे आपको यहां रीडायरेक्शन मिल जाएगा, ये बिल्कुल रीडायरेक्शन प्लगइन की जैसा ही है, सेम फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो रीडायरेक्शन के लिए आपको अलग से प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नो 404 मॉनिटर, योस्ट के अंदर कोई 404 मॉनिटर नहीं है, सीधी जनरली आपको क्या है कि 404 एरर्स देखने के लिए आपको कंसोल में जाना पड़ेगा, बट रैंक मैच के अंदर आप 404 एरर्स जो है वो यहीं से देख सकते हैं, जैसे कि 404 मॉनिटर आप यहां से इसको इनेबल कर लें और इनेबल करने के बाद आपको यहां पर 404 मॉनिटर मिल जाएगा, तो 404 की सभी एरर्स आपको यहां दिख जाएंगी और आप यहां से क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नो सोशल प्रीव्यूज, अब इसका क्या मतलब है, जब आप यूज प्लगइन यूज कर रहे हैं तो आप जब आप यहां पर जाएंगे, मैं यहां पर चले जाता हूं एसईओ एनालिसिस में हम लोग, ठीक है, आप एडिट स्निपेट पे इसके अंदर हम चले जाते हैं, एक सेकेंड में आपको ये दिखा देता हूं, सर्च अपीयरेंस के अंदर जाना है और ओके, यहां देखिए ये हमारे को सिर्फ जो है ना वेबसाइट पे प्रीव्यू जिस तरह से आने वाला है, यानी गूगल के अंदर जिस तरह दिखने वाला है वो दिखा रहा है, बट अगर मैं बात करूं रैंक मैच की तो जब हम यहां पर स्निपेट पे जाएंगे तो यहां देखिए सोशल का भी प्रीव्यू आपको दिख जाएगा, फेसबुक पर कैसा दिखेगा, ट्विटर पर कैसा दिखेगा, तो ये दोनों चीजें भी इसके अंदर फ्री हैं, जबकि मैं बात करूं योस्ट के अंदर तो ये फीचर पेड के अंदर है, सोशल मीडिया अपीयरेंस के अंदर आपको जाना पड़ेगा, और यहां देखिए अनलॉक विद योस्ट एसईओ प्रीमियम, तो प्रीव्यू अगर आपको देखना है तो आपको पेड वाला योस्ट लेना पड़ेगा, जबकि रैंक मैच के अंदर ये कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नो एसईओ एनालाइजर, योस्ट प्लगइन के अंदर एसईओ एनालाइजर नहीं, एसईओ एनालाइजर काम क्या करता है, एसईओ एनालाइजर आपकी पूरी वेबसाइट को एनालाइज करके आपको एरर्स के बारे में बताएगा, जबकि रैंक मैच के अंदर ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल टूल भी कई बार हमें यूज करना पड़ता है, इवन सैमरश एरफ जैसे टूल भी ये काम करते हैं, आपकी वेबसाइट का पूरा एनालिसिस आपको देते हैं। तो रैंक मैच के अंदर आप सिंपली एसईओ एनालाइजर पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी वेबसाइट में जो जो दिक्कतें हैं हल्की फुल्की वो आप यहां से देख सकते हैं और उनको यहीं से सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
रैंक मैथ के हर फीचर के बारे में मैंने एक वीडियो बना के रखा है। आप रैंक मैथ, अगर आपने रैंक मैथ की वो सीरीज नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसे मैंने हर रैंक मैथ के फीचर के बारे में डिटेल में बात की है, जिससे आप अपनी वेबसाइट को बहुत बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नो इंटरनल लिंकिंग सजेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। योस्ट के अंदर ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ये सारी की सारी पेड है। इससे पहले मैंने वीडियो किया था जिसमें बताया था कि योस्ट फ्री और प्रीमियम में क्या फर्क है। तो अगर आपको इंटरनल लिंकिंग के सजेशन चाहिए योस्ट में तो वो पेड के अंदर आपको मिलेंगे, जबकि रैंक मैथ के अंदर इंटरनल लिंकिंग सजेशन पिलर पोस्ट मैंने लिखा है, पिलर पोस्ट के लिए फ्री है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली एक पोस्ट को यहाँ पर पिलर पोस्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे जो है ना दिख जाएगा कि ये हमारा इसका सजेशन, मतलब आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपको इस पेज के लिए क्या सजेशन। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस पेज को पिलर पोस्ट बना दिया, अभी हमने इसको पब्लिश नहीं किया क्योंकि ये डेमो है। जब आप इसको पिलर पोस्ट पे क्लिक करेंगे और कोई दूसरी पोस्ट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ नीचे जो है ना सजेशन मिल जाएंगे कि आप इसको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, अगर लिंकिंग का ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होगा है। तो कहने का मतलब है कि ये वाला फीचर भी रैंक मैथ के अंदर फ्री है। अगर सभी फीचर यहाँ पर कवर करना मुश्किल था, लेकिन एक चीज मैं और बता दूं कि रैंक मैथ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो उसका साइज जो है वो पेज का लोड जो है वो कम है योस्ट के मुकाबले। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें जैसे एआई है, कंटेंट एआई में कुछ आपको फ्री क्रेडिट्स मिल रहे हैं, जबकि योस्ट के अंदर आपको कुछ भी एआई वाला जो यूज करना है तो आपको पेड वाले प्लान पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो सभी यहाँ पर कवर करना थोड़ा मुश्किल था। तो मेरे हिसाब से रैंक मैथ ने वो सारी चीजें फ्री प्लान में डाल दी है जो योस्ट के अंदर पेड में है। इसके अलावा भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज ऐसी हैं रैंक मैथ के अंदर जो आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको एक एक एज लेनी है किसी चीज पे तो आप रैंक मैथ का यूज कर सकते हैं। और हो सकता है कि अगर योस्ट ने चीजों को इस तरह से इम्प्रूव नहीं किया तो रैंक मैथ बहुत जल्दी इसके मार्क को भी क्रॉस कर ले। ठीक है, तो आई होप आपको योस्ट और रैंक मैथ के अंदर के जो डिफरेंस है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।